क्लास 11 स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के थ्रू सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। आप जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और हम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंस को कैपिटल में ही ट्रीट करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं हम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के लिए अलग से अकाउंट ओपन नहीं करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो रेवेन्यूज़ कैपिटल में प्लस करे जाते हैं, एक्सपेंसेस कैपिटल में माइनस किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने कैपिटल को ब्रैकेट में लिखा है, कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब इस ब्रैकेट को हम खोल दें तो कैपिटल को देखिए, कैपिटल में रेवेन्यू प्लस किया, एक्सपेंस माइनस किया और लाइबिलिटी प्लस करी, इक्वल टू एसेट्स हो गया। एक्सपेंस को इधर ले आए तो वो प्लस का बन गया और राइट हैंड साइड में आपके रह गए कैपिटल प्लस रेवेन्यूज़ और प्लस लाइबिलिटीज़। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं उन पे सेम रूल रहेगा, और जो लाइबिलिटीज़ कैपिटल एंड रेवेन्यूज़ हैं उन पे सेम रूल रहेगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट्स का जो रूल होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, बहुत सिंपल सा होता है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, एंड सिंस एक्सपेंसेस आर ऑन द सेम साइड एज ऑफ एसेट्स, दैट्स वाई एक्सपेंसेस पे भी सेम रूल रहेगा। इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। अगर आप एसेट्स का रूल ध्यान रख लेंगे तो आपको बाकियों का रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है ना, LCR का, L फॉर लाइबिलिटी, C फॉर आपका कैपिटल और R हो गया आपका रेवेन्यू। ठीक है, तो जो रूल AE पे लगेगा वही उसका अपोजिट रूल LCR पे लगेगा। एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज़ होने पे डेबिट, डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट हुआ करते हैं। लाइबिलिटी क्योंकि एसेट्स के अपोजिट साइड आती है तो उसका रूल एसेट्स के अपोजिट होगा, यानी इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट और डिक्रीज़ होने पे डेबिट। अब लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों सेम साइड पे आते हैं इसलिए वो भी इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट और डिक्रीज़ होने पे डेबिट। रेवेन्यू कैपिटल को बढ़ाता है तो इसलिए वही रूल, उस पर भी वही रूल लगेगा जो आपका उस पर होता है, व्हाट डू कॉल कैपिटल का, तो इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट, डिक्रीज़ होने पे डेबिट। तो कहने के तौर पे आप बस इतना याद रख लीजिए, अगर आपको एसेट का रूल याद है तो बाकियों के रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। एसेट और एक्सपेंस सेम साइड आया करते हैं इसलिए दोनों पे सेम रूल अप्लाई करते हैं। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अपोजिट साइड आया करते हैं तो उन तीनों पे इनका अपोजिट रूल फॉलो किया जाता है। इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आपको जो है ध्यान रहेगा रूल्स को। ओनली लर्न फॉर एसेट्स एंड यू नो इट वेरी वेल दैट कैपिटल लाइबिलिटी कम्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ एसेट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो जो रूल लाइबिलिटी का होगा वही कैपिटल का होगा, बिकॉज दोनों वो सेम साइड में हैं एंड क्योंकि वो अपोजिट्स ऑफ एसेट्स हैं तो उन पर रूल एसेट्स के अपोजिट होगा। रेवेन्यू कैपिटल को बढ़ाता है इसलिए रेवेन्यू का जो है रूल बिल्कुल कैपिटल जैसा ही होगा। एंड एक्सपेंसिस कैपिटल को कम करते हैं इसलिए उसका रूल कैपिटल के अपोजिट होगा, यानी एसेट जैसा होगा, बिकॉज कैपिटल के अपोजिट तो एसेट्स भी है। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा अच्छी तरह से, एंड ये आपको आगे जाके अकाउंटिंग से जुड़ी हुई जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स वगैरह बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू बच्चों।